Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कि जो तुम सोच रही हो वो इतना आसान नहीं, या यूं कह लो कि नामुमकिन। अगर तुम जान ही गई हो तो ये बात भी सुन लो, मैं तुम्हें आतिर को हासिल करके दिखाऊंगी। देखो, तुम्हें पैसे मिल चुके हैं और वैसे भी रकम बहुत ज्यादा है, इसलिए ब्लैकमेल करना बंद करो। अब अगर ये ब्लैकमेलिंग है तो फिर ब्लैकमेलिंग ही सही, रकम तो आपको देनी ही पड़ेगी, वरना नौरीन के खिलाफ सारे सबूत पुलिस को भेजने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम्हें जो करना है वो तुम कर दो, मैं भी देखता हूं तुम क्या कर सकते हो। तो फिर ठीक है, अपने अंजाम के लिए तैयार रहें। मेरी बात सुने, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं कैसे करूँगी, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। नौरीन, इसे जाने दो, ये तुम्हें ब्लैकमेल करके तुमसे मजीद रकम हथियाना चाहता है। तुम चुप कर, मैंने इसको तुम्हारे ऑफिस इसलिए नहीं बुलाया कि ये मुझे पुलिस के हवाले कर दे। अच्छा ठीक है, तुम मुझे बात करने दो। इस बात की क्या गारंटी कि तुम बाद में ब्लैकमेल नहीं करोगे? हम 2 नंबर कारोबार भी 1 नंबर तरीके से करते हैं। अगर ये मुझे पहले मालूम होता तो कारोबार की कसम तो दोबारा अपनी शक्ल तक मैं नहीं दिखाता आपको। ठीक है, लेकिन मुझे बदले में सारे सबूत चाहिए, एक एक सबूत, समझे? ठीक है, मिल जाएगा। रकम मिलते ही रफीक साहब के मौत के सारे सबूत आपके हाथ में होंगे। किस मुश्किल में पड़ गई हूं मैं। आतिर, जुनैद के ऑफिस में मैंने जो ऑडियो डिवाइस लगवाई थी उसके जरिए हमें नौरीन के खिलाफ पक्का सबूत मिल गया। ये सुनो, इस बात की क्या गारंटी कि तुम बाद में ब्लैकमेल नहीं करोगे? हम 2 नंबर कारोबार भी 1 नंबर तरीके से करते हैं। अगर ये मुझे पहले मालूम होता तो कारोबार की कसम तो दोबारा अपनी शक्ल तक मैं नहीं दिखाता। ठीक है, लेकिन मुझे बदले में सारे सबूत चाहिए, एक एक सबूत, समझे? ठीक है, मिल जाएगा। उस्मान, मैं बता रहा हूं तुझे, मैं इस घटिया नौरीन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। आतिर, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी कोई भी जज्बाती गलती हमें हमारे मकसद से दूर कर सकती है। हम अपने मकसद के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो क्या करूं उस्मान? बोलना, क्या करूं? अपने बाबा के कातिल को जिंदा छोड़ दूं? आतिर, मैं समझ सकता हूं कि ये वक्त तुम पे बहुत तकलीफ दे। तुम मेरा यकीन करो, हम उन तक जरूर पहुंच जाएंगे और उन्हें पकड़ के पुलिस के हवाले करेंगे। तुम अभी चलो मेरे साथ, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं उस्मान और ये हैं आतिर, आतिर रफीक। अस्सलाम, जानता हूं इन्हें। शहर के बड़े बिजनेसमैन रफीक अहमद के बेटे और इनके शौहर। ओह, नौरीन को तो जानते होंगे ना आप? जी। क्या आप बता सकते हैं आपका और नौरीन का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक था, मैं नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो वो तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रही थी? वो ऑफिस आई थी, ये सच है, लेकिन ना तो मेरा नौरीन के साथ कोई ताल्लुक है और ना ही कोई वास्ता। अगर ताल्लुक नहीं है तो आप उसके साथ रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे, या फिर वो गाड़ी में क्यों घूम रहे थे? देखें, हमारी ना तो आपके साथ कोई दुश्मनी है ना ही कोई ताल्लुक। आपका नौरीन के साथ कोई ताल्लुक है, था या नहीं, हमें इससे भी कोई गर्ज नहीं। हमें सिर्फ उस शख्स के बारे में मालूम करना है क्योंकि वो रफ़ीक अंकल का कातिल है और वो आपके ऑफिस में आया था। हाँ, नौरीन भी वहाँ मौजूद थी। इस बात के सबूत हैं मेरे पास। अगर आप चाहें तो अभी मैं आपको सुना सकता हूँ कि उसके साथ आपकी क्या गुफ्तगू हुई। जी, रफ़ीक अंकल का एक्सीडेंट हुआ नहीं, करवाया गया था। और किसने करवाया था ये भी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। किसके ज़रिए करवाया गया था सिर्फ वो पता करना है ताकि असल मुजरिम तक पहुंचा जा सके। अगर आप लोग सारे हकीकत जान ही चुके हैं तो फिर मुझे भी कोई हकीकत छुपाने की ज़रूरत नहीं। नौरीन से मेरी दोस्ती थी, पसंद करता था उसे, बेपनाह चाहता था, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत का जवाब बेवफाई से दिया और तुम्हारी खातिर मुझे छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ तुम मुझसे बेहतर जानते हो। खैर, अब वो कातिल आदमी नौरीन को ब्लैकमेल करके मजीद रकम मांग रहा है और इसी सिलसिले में नौरीन ने मुझसे मदद मांगी थी। किसी भी जुर्म में साथ देने वाला, उसे छुपाने वाला उतना ही मुजरिम होता है जितना करने वाला। जानता हूं, और इसीलिए नौरीन को मैंने साफ इनकार कर दिया था। अगर फिर उसने मतीन अंकल का वास्ता देकर मुझे मजबूर किया और मजबूरन मुझे उसका साथ देना पड़ा। मतीन अंकल का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर और शायद उसी वजह से मैं कमजोर पड़ गया था। लेकिन अब नौरीन के खिलाफ सबूत के लिए मैं आप लोगों की मदद करूंगा, लिहाजा आप लोग आइए मेरे साथ। बस अल्लाह को जो मंजूर आ ही जाएगा सब। अभी बहुत शुक्रिया आपके कंसर्न का। आंटी कहाँ गायब रहती हो आजकल? वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ करो आंटी। दरअसल बात यह है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? आंटी आप तो जानते हैं, अब्बा के जाने के बाद घर के हालात बहुत खराब हो गए और अब्बा का कारोबार वो तो जैसे खत्म ही हो गया था। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऐसा करते हैं, तुम्हारी अम्मी का कुछ महीने का खर्चा बांध देते हैं ताकि उनकी मंथली रूटीन्स चलती रहें प्रॉपरली। मैं आतिर से कहती हूँ, बल्कि अम्मी का अकाउंट नंबर आतिर को दे देना, वो हर महीने पैसे ट्रांसफ़र कर दिया करेगा। लेकिन आंटी बात सिर्फ ये नहीं है। दरअसल बात ये है कि दरअसल आंटी अब्बा ने घर गिरवी रखवाकर कुछ रकम नहीं थी, जो अब सूद की शक्ल अपनाकर बहुत बड़ी रकम बन चुकी है। तो ये बात कितनी रकम है? 50 लाख। और आंटी अगर रकम वापस ना की तो वो लोग अम्मी और रानी को घर से निकाल देंगे। और इस उम्र में बेचारी कहाँ जाएंगी? किसी दारुल अमान चली भी गई तो उस घर में अब्बा की यादें हैं। मेरा बचपन गुजरा है उस घर में। तुम फिक्र ना करो नौरीन, मैं वो कर्ज अदा करूँगी, मैं आतिर से कह दूँगी तुम्हारी अम्मी और नानी को दारुल अमान जाने की ज़रूरत नहीं होगी। थैंक यू आंटी। लेकिन आंटी प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा कि आतिर को इस बारे में कुछ भी ना पता चले। आप तो जानती हैं आतिर के लिए मेरी हर बात झूठ और बेमानी है। फिक्र ना करो, मैं आतिर को कुछ नहीं बताऊंगी। उसे शक तक नहीं होगा। बस अल्लाह तुम्हारा घर सलामत रखे। बल्कि ऐसा करती हूँ, मैं अपने अकाउंट का चेक दे देती हूँ ताकि आतिर को शक भी ना। चेक बना देती हूँ, तुम मेरे रूम से ले लेना। क्या बात है नौरीन, आंटी पानी। सारा खाएं आंटी, वो ऊपर अपने कमरे में है। अभी तक आपा भी वापस नहीं आए। दिल बहुत उदास हो रहा है उनके बगैर। क्या आने से दिल महल गया था, बेहतर महसूस हो रहा था। वरना रफीक की याद दिल से जाने का नाम ही नहीं लेती। आप परेशान ना हो आंटी, वो नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना आपके पास। हम ऐसा करते हैं कि आज हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। आप बाहर जाएंगी तो आपका दिल भी बहल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है आतिर, कोई परेशानी? नौरीन का है, अपने कमरे में होगी। आतिर क्या हुआ? आतिर, आतिर! आज ये चेक उसके मुंह पे मार दूंगी ताकि हमेशा हमेशा के लिए किस्सा ही खत्म हो जाए और जान छूटे मेरी इस मामले से। आतिर क्या कर रहे हैं आप? आतिर बस, अब एक और थप्पड़ बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं आपका। क्या हो गया आतिर, पागल हो गए हो? हाँ हाँ मामा, पागल हो गया हूं मैं, पागल हो गया हूं। इस लड़की ने पागल कर दिया मुझे। मेरा सुख, मेरा चैन, मेरी खुशियां सब छीन ली है इसने। यहाँ तक कि मेरे बाबा को भी छीन लिया मुझसे। कातिल है ये। हाँ मामा, कातिल है ये हमारी खुशियों की। हमारे बच्चे की मेरे बाप की। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आंटी ये इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, तोहमत लगा रहे हैं मुझ पर। बकवास बंद करो, सच्चाई को तोहमत का नाम मत दो। मेरा बस चलेगा तो मैं तुझे अभी जान ले लूं। तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया जिस घर ने तुम्हें इज्जत दी, ऐशो आराम वाली जिंदगी दी, तुमने उस घर को खून से नहला दिया। हाँ तंजीला, यही वो बात है जो मैं तुमसे छुपा रहा था। यही है हमारे बच्चे की कातिल। यही है हमारे बाबा की कातिल। सारे सबूत और सारे गवाह मौजूद हैं। तुम्हारे गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है नौरीन, जिनकी कोई माफी नहीं है। ये गुनाह कबीरा है। हो सके नौरीन तो यहाँ इस जेल में अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगता। उस नन्ही सी जान में उसका क्या बिगाड़ा था? बस कर दो तंजीला, बस कर दो प्लीज। तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे ये जुमले मुझे कितनी तकलीफ दे रहे। हम बहुत जल्द ही खुशी दोबारा हासिल करेंगे इंशाल्लाह।